एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लेंजर्स के बारे में। क्लेंजर ये स्किन केयर रूटीन का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। तो आज हम जानेंगे कुछ चीजें क्लेंजर्स के बारे में। क्लेंजर्स होते क्या है, ये काम कैसे करते हैं और इसमें टाइप्स क्या है, मतलब कौन से स्किन टाइप को कौन सा क्लेंजर सूटेबल है और आप क्लेंजर कैसे चूज करें एंड इन द एंड हाउ टू यूज अ क्लेंजर। तो शुरू करते हैं। क्लेंजर्स, जैसे कि मैंने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप होता है स्किन केयर रूटीन का, जो आपके फेस को क्लीन करता है एक्सेस डर्ट, ऑयल, सीबम, ये सब चीज़ों को रिमूव करता है, मेकअप रिमूव करता है, आपके पोर्स क्लीन करता है और आपके स्किन की नेचुरल ऑयल्स बनाए रखता है। तो ये हो गया क्लेंजर क्या काम करता है। अब आप कैसे क्लेंजर चूज कीजिए जो आपकी स्किन को ज़्यादा ड्राइनेस ना दे, या फिर फेस वॉश करने के बाद में आपको ज़्यादा ग्रीसी फीलिंग ना हो। एक जेंटल माइल्ड फॉर्मुलेशन वाला क्लेंजर ऑप्ट कीजिए जो आपका स्किन पीएच मेंटेन रखे, आपका स्किन का पीएच बिगाड़े ना, और हो सके तो फ्रेग्रेंस फ्री यूज़ कीजिए, क्योंकि कुछ कुछ स्किन टाइप को सूट नहीं होता स्मेल जो होता है, इसलिए गो फॉर अ फ्री अल्कोहल फ्री एंड स्मेल फ्री क्लेंजर। अब देखेंगे कौन से स्किन टाइप के हिसाब से आप कौन सा क्लेंजर यूज करेंगे। एक होते हैं फोमिंग क्लेंजर्स जो स्पेशली ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए जाते हैं। फोम होने की वजह से, मतलब आप प्रेस करेंगे तो वो डायरेक्टली फोम बाहर आता है, तो ये काफी लाइट वेट होते हैं जो आपका स्किन क्लीन करते हैं, स्पेशली ऑयली स्किन में जो एक्सेस सीबम प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन होता है उसको रिमूव करता है। इस वजह से फेस काफी लाइट फील करता है, फेस वॉश करने के बाद में आपको काफी फ्रेश फील होता है। दूसरी आती है क्रीम बेस्ड क्लेंजर्स, क्रीम क्लेंजर्स, मतलब ये काफी हेवी होते हैं क्योंकि क्रीम बेस्ड होता है एंड ये स्पेशली ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छी तरह जाता है। हैवी वेट होने की वजह से ये आपके स्किन में जो ड्राइनेस रहता है उसको वो कॉम्बैक्ट करता है और आपका डर्ट वगैरह फेस से रिमूव करता है एंड फेस वॉश करने के बाद में आपका स्किन काफी सॉफ्ट, सपल एंड मॉइस्चराइज लगती है। फिर आते हैं जेल क्लेंजर्स, ये काफी कॉमन है। जेल क्लेंजर्स आप कोई भी फेस वॉश उठा लीजिए, मोस्टली ये जेल फॉर्मुलेशन में होते हैं और अच्छी बात ये है कि ये हर एक स्किन टाइप को सूट होता है, नॉर्मल, ड्राई, ऑयली, सेंसिटिव एंड कॉम्बिनेशन, ये पांचों स्किन टाइप के लिए जेल क्लेंजर्स इजिली चले जाते हैं। सो यू आर सेफ टू यूज जेल क्लेंजर्स, बट मेक श्योर कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप ऐसे क्लेंजर चूज करें जो आपको ड्राइनेस या ग्रीसीनेस नहीं देगा और आपको फेस वॉश करने के बाद काफी फ्रेश लगना चाहिए। फिर आते हैं ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स। ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स ये डबल क्लेंजिंग में जनरली यूज किया जाता है, या आप इसे प्री क्लेंजर भी कह सकते हैं, मतलब क्लेंजिंग के पहले ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स। ये कोरियन स्किन के रूटीन में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मतलब वो लोग डबल क्लेंजिंग करते हैं, फर्स्ट दे यूज ऑयल बेस्ड फेस क्लेंजर्स एंड उसके बाद में दे यूज अ फोम क्लेंजर और क्रीम बेस्ड क्लेंजर्स। तो ऑयल क्लेंजर्स बेसिकली उसमें जो ऑयल होता है वो आपके सीबम में जाके मिक्स होता है और उसको रिमूव करने में आसानी होती है, तो इस तरह से ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स काम करते हैं और ये भी हर एक स्किन टाइप के लिए जाता है। यस, इवन ऑयली फेस कैन यूज ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स, बट मेक श्योर आफ्टर यूजिंग ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स यू हैव टू यूज अ फोमिंग क्लेंजर और अ क्रीम बेस्ड क्लेंजर अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। फिर आते हैं मिसलर वाटर। मिसलर वाटर भी काफी कॉमन है, स्पेशली मेकअप रिमूवल में बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। इट इज वेरी लाइट इन वेट एंड इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं मिसेल्स, इसलिए इसे नाम दिए गए हैं मिसलर वाटर। मिसेल्स जो आपके डर्ट के साथ मिक्स होके आसानी से रिमूव हो जाते हैं। मिसलर वाटर यूज करने में काफी आसान है, आपको पानी की जरूरत नहीं होती। आप एक कॉटन का ये लीजिए, छोटा कॉटन लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा मिसलर वाटर डाल दीजिए एंड यू कैन इजिली वाइप ऑफ योर फेस विद मिसलर वाटर जो कॉटन में आपने लगाया हुआ है।
तो आपको पानी की जरूरत नहीं होती है। फिर आते हैं मेकअप पैड्स और वाइप्स, ये तो काफी लोग इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली गर्ल्स, जो आपका मेकअप रिमूवल में ये काफी इस्तेमाल होता है। ये ऑलरेडी इंग्रेडिएंट्स से भरे हुए पैड्स रहते हैं, मतलब आप सिर्फ पैड निकालिए, फेस वाइप कीजिए एंड यू कैन जस्ट थ्रो इट ऑफ एंड इट कम्स इन अ वेरी पोर्टेबल फॉर्म, यू कैन यूज इट एनीवेयर एंड यू कैन कैरी इट एनीवेयर। तो ये हो गए क्लेंजर्स के टाइप्स, कौन सा स्किन टाइप में जाएगा। अब हम बात करेंगे कि आप क्लेंजर कैसे इस्तेमाल करें, हाउ टू यूज अ क्लेंजर। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्लैश योर फेस विद वाटर, टेक एन आलमंड साइज ऑफ क्लेंजर ऑन योर पाम, थोड़ा रब कीजिए और सर्कुलर मोशंस में फेस पे अप्लाई कीजिए फॉर 20 to 30 seconds एंड देन यू कैन वॉश ऑफ विद वाटर। और ये करने के बाद में आपको आपकी स्किन काफी सॉफ्ट लगेगी, फ्रेश लगेगी और आपको काफी अच्छा फील होगा। ये हो गया आपका एक बहुत अच्छा क्लेंजर। तो आप अपना स्किन टाइप देखिए, फिर उस हिसाब से आप अपना क्लेंजर सिलेक्ट कीजिए। थैंक यू।